स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द कार गैराज में। और आज एक गाड़ी आपको दिखा रहे हैं, ये 2015 मॉडल है S2, जिसको हमने कंप्लीट तैयार किया है S11 क्लासिक 2024 मॉडल में। और भैया गोरखपुर से आए हुए थे, तो ये गाड़ी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार जो हमने गाड़ी रेडी की है, भैया से एक बार पूछेंगे, जैसा भी हमारा काम उनको लगा भैया बताएंगे, और जो भी चीज़ें हमने इसके अंदर की हैं वो कैसी की हैं वो सारी चीज़ें आपको पूछवा दे। तो भैया सबसे पहले आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। क्या नाम है भैया आपका? पवन कुमार जी। तो पवन कुमार जी, ये बताइए जो काम आपका ये हमने किया है, आपको गाड़ी कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रही है। पेंट वेंट कैसा लग रहा है? वो भी बहुत अच्छा, फिनिशिंग बहुत अच्छा है। फिनिशिंग, चलिए। और जो इंटीरियर इसका हमने कस्टमाइज़ किया है वो भी बहुत अच्छा है, उसका कलर वलर सब। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, पहले भी हम सेम ऐसा ही इंटीरियर कर चुके हैं जो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। तो भैया आपने वही देख के करवाया है? हाँ। सेम पहले आपने वो वीडियो देखी थी, उसी को देख के करवाया है। तो भैया कोई भी मतलब पेंट हुआ या किसी चीज़ में क्वालिटी में कोई कुछ कमी लग रही है आपको? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है क्वालिटी और बहुत तगड़ा है। तो खुश हैं इस चीज़ से कि गाड़ी रेडी की है, अच्छी है? और कुछ हमने ऐसा तो नहीं किया जो आपको पहले रेट दिया था अब आके कुछ बढ़ा दिया हो? नहीं, और उससे कम ही किए हैं। कुछ बढ़ाया तो नहीं है ना ही, एक्स्ट्रा कुछ जोड़ा है आपके? नहीं। तो आप हमारे कस्टमर्स जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो हमारे पास आना चाहते हैं, तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ कैसा किस तरीके का काम होता है? हमें कस्टमर्स और व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे कि एक बार आइए, आप करवाइए, और आपको अच्छा लगेगा तो आप 10 कस्टमर और लेके आएंगे। और हमको जितना मालूम है, हम देख के ही आए, हम बहुत सेटिस्फाई हैं। मतलब आपको लग रहा है कि हाँ मेरी गाड़ी नहीं लग रही है? बहुत बेहतर है। चलिए, तो ये पूरी गाड़ी आपको डिटेल में अभी दिखाएंगे आगे इसकी वीडियो, जो मैं आपको इंटीरियर भी दिखाऊंगा जो उसका कस्टमाइज़ किया है पूरा। तो अभी बाहर बाहर का आपको दिखा देते हैं। ये गाड़ी 2015 मॉडल S2 है, जिसको हमने पूरा कन्वर्ट किया है क्लासिक S11 2024 में। गाड़ी गोरखपुर से आई थी हमारे पास, तो पूरा का पूरा काम इसके अंदर किया गया है, अंदर और बाहर से कंप्लीट। और गाड़ी पूरी की पूरी रीपेंट की गई है पर्ल वाइट में जो अभी आता है कलर। और इसमें हमने जो चेंजेस किए हैं, आप हेडलाइट देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू क्लासिक की प्रॉपर DRL हो जाते हैं, फॉग लैंप हो जाते हैं, फ्रंट ग्रिल हो जाती है इसमें जो कि नए लोगों में आ जाती है, और पूरा बम्पर भी इसका फ्रंट बम्पर चेंज हो जाता है। तो काफ़ी सारे चेंजेस हैं, साइड मिरर आ जाते हैं, इंडिकेटर में, फेंडर में बंद वाले कवर आ जाते हैं, डोर में जो है नीचे क्लाइडिंग्स आ जाती हैं जो कि इस क्लासिक के अंदर आती हैं, साइड लो आप देख सकते हैं। तो पूरी गाड़ी जो है हमने कंप्लीट की है S11 क्लासिक में, और पूरी गाड़ी रीपेंट जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी इसका जो है मैं आपको पीछे का लुक दिखा देता हूँ, पीछे इसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो पीछे इसमें जो है डिग्गी भी चेंज की गई है, जो कि S2 मॉडल था तो S2 में अलग डिग्गी आती है, डीपलर हो जाते हैं, डीपलर इसमें हमने मैट्रिक्स डाले हैं रनिंग लाइट वाले, और आपकी बैक लाइट हो जाती है, डिग्गी की पट्टी हो जाती है नए लोगों में, और स्पॉइलर इसमें डाला है हमने बंद वाला, स्पॉइलर इसमें नहीं था, और पिछला बम्पर हो जाता है कंप्लीट, दो पीसों में जो पिछला बम्पर आता है वो भी हमने इसमें चेंज किया है, प्रॉपर क्लासिक वाला डाला है। तो सारी चीज़ें इसमें A to Z जितनी भी चीज़ें हैं सारी क्लासिक वाली यूज़ की गई हैं और ब्रांड न्यू यूज़ की गई हैं। तो अगर आपके पास भी कोई मॉडल है, ओल्ड मॉडल है या न्यू शेप में, S2 से S10 तक या S3 से S11 तक, कोई भी मॉडल अगर आपके पास है और आप उसे बनवाना चाहते हैं क्लासिक, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, फ़ोन नंबर और एड्रेस भी। तो इसका जो आपको काम जैसा भी लगे आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें हमने एलॉय और टायर भी डाले हैं ब्रांड न्यू। तो आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ, पूरी गाड़ी का इंटीरियर कस्टमाइज़ किया है, तो एक बार आपको करीब से दिखाऊँगा। ये पूरा इसका इंटीरियर कस्टमाइज़ है, इसमें हाइड्रोडिप रैपिंग और पूरा इंटीरियर डुअल टोन में कस्टमाइज़ किया है। इधर आ जा। स्टेयरिंग न्यू लोगों का, पूरा ब्रांड न्यू स्टेयरिंग डाला है विद कंट्रोल इसमें वर्किंग करेंगे। मीटर डाला है ब्रांड न्यू। उसके बाद आ जाता है आपका ये डायमंड वाला एंड्रॉयड, जो कि इसमें हमने पहली बार लगाया है स्कॉर्पियो में, डायमंड 2। और हाइड्रोडिप हो जाता है, काफ़ी सारे पीस हैं इसमें जो हमने किए हैं। ये हो जाता है आपका AC का भी हाइड्रोडिप किया है इसमें।
पूरा इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ। पहले भी हमने एक गाड़ी ऐसी की थी तो भैया ने यही गाड़ी देख के सेम वही गाड़ी बनवाई है। रूफ रैप हो जाती है इसके अंदर और ऊपर का जितना इंटीरियर है ये सारा ब्लैक है ऊपर का, और नीचे का सारा ये वाइन कलर में हो जाता है। सीट आप देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं, हर गाड़ी में सीट की क्वालिटी ऐसी ही मिलेगी। कलर और डिज़ाइन आपकी चॉइस से हो सकता है, तो ये सारा आप देख सकते हैं। पावर विंडो इसमें पहले बीच में आती थी, S2 मॉडल था, यहाँ पावर विंडो का इसका स्विच था, तो सारी जगह हमने पावर विंडो दी है। पीछे भी आपकी सेपरेट पावर विंडो मिलती है, कंडक्टर साइड भी, और ड्राइवर साइड में पूरी चारों का आप कंट्रोल कर सकते हैं, चारों पावर विंडो को। तो यह पावर विंडो शिफ्ट हो जाता है, पूरा इंटीरियर आप देख सकते हैं आगे से लेके पीछे तक कंप्लीट। एक बार पीछे से दिखा देता हूँ, ये पीछे से पूरा इसका व्यू है। तो इस तरीके का कंप्लीट इंटीरियर इसका तैयार किया है। ये 2015 मॉडल S2 मॉडल है जो कि हमारे पास गोरखपुर से आई थी। ये इसमें ग्रैब हैंडल हो जाते हैं और ये पट्टी हो जाती है जो हाइड्रो डिप की है। ये पीस रैप किया हुआ है इसके अंदर, और सारा इंटीरियर डुअल टोन में कंप्लीट तैयार किया गया है, जो कि हम एक गाड़ी पहले भी ऐसी बना चुके थे, वही सेम गाड़ी देख के भैया ने ये बनवाया है बिल्कुल A to Z। तो आपको काम कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, जैसा भी आपको लगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो भी लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं। आगे बहुत सारी वीडियो पेंडिंग पड़ी हैं, टाइम नहीं है, क्योंकि अभी नया वर्कशॉप शिफ्ट किया है जो कि मैंने आपको दिखाया है, ये बड़ा वर्कशॉप लिया है, तो इस वजह से एडिटिंग के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, तो काफ़ी सारी वीडियो जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। जल्दी आपको और भी वीडियो दिखाई देंगी जो कि हम बहुत सारी गाड़ी पहले ही कर चुके हैं। और